पांडे जी, आप कैब का जो भी सीन चल रहा है इसके फेवर में है कि अगेंस्ट है आप? मैं तो साहब बिल्कुल फेवर में हूँ और रहूंगा। और जहां तक आप समझ रहे हो, ये कैब का जो विरोध आपको दिख रहा है, ये विरोध नहीं है, ये भड़ास है विपक्षी पार्टियों की। ये भड़ास है 3 तलाक बिल पास हो गया, ये भड़ास है 370 हो गया, ये भड़ास है 35 हो गया, ये भड़ास है कि राम जन्मभूमि का बाबरी मस्जिद का केस इतनी शांति से कैसे निकल गया। और एक और खौफ भी है, वो खौफ ये है कि अब ये कॉमन सिविल कोड मोदी लेके आएगा 300, और इसके बाद में लेके आएगा ये पीओके के ऊपर लेके आएगा, इसके बाद इनको लगता है कि जनसंख्या कानून लेके आएगा, ये तो खा जाएगा हमको, ये टेंशन है इन सबको। इसकी वजह से ये सारे के सारे चीन कौओं की तरीके से विपक्षी पार्टियों ने कि लग जाए साली देश में आग, नाश लग जाए देश का, जल जाए साला रेलवे, जल जाए पूरा कंट्री, जल जाए दिल्ली, लेकिन किसी भी हालत में मोदी का विनाश करना है। ये हालत है इन लोगों की, बाकी कुछ वो थोड़ी है। मुसलमानों के क्या तकलीफ है? मुसलमान को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके देश में रहना उनके लिए तो कोई कानून के लिए वो है नहीं, नागरिकता उनकी रहनी है। बाहर से सताए हुए कौन लोग हैं? नॉन मुस्लिम, उनको जो सताए हुए आए हैं उनको अगर भारत नागरिकता दे रहा है, नॉन मुस्लिम्स को, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, तो उसमें उनको क्या परेशानी हो सकती है? इनको तो मोहरा बनाया जा रहा है कि तुम किसी तरह गदर काटो, तुम्हारे ऊपर से फिर हम जो है तुम्हारे उसके ऊपर करें और तुम्हारे वोट बटोरे और तुम्हें डरा के रखे। बिल्कुल ठीक है, ये कहानी है इनकी। इनको यही खतरा है विपक्ष को कि सारे मुद्दे इन्होंने सीधे कर दिए। यस, तो ये इलेक्शन किससे लड़ेंगे? बिल्कुल पॉइंट यही है। और साहब एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ के कुछ नादान, जो हिंदुस्तानी है मैं बोल रहा हूँ, नादान, वो यार मोदी को गाली देती। अरे यार मोदी जैसा आदमी एक बार तो सोचो, एक बार सोचना पड़ेगा, जो आदमी अपने लिए नहीं जीता, देश के लिए जीता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आदमी उसको कल चुना गया है, ब्रिटिश हेराल्ड की न्यूज है, 31 वोट पूरे वर्ल्ड में मिले, सेकंड नंबर पे पुतिन को मिले और थर्ड नंबर पे जिनपिंग आया, फिर ट्रंप आया, जिसको सब मान रहे हैं। 7 कंट्री ने जिसको पुरस्कार दिए। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो सन 47 से लेके सन 2014 तक एक इंदिरा गांधी के शासनकाल को छोड़कर हमेशा हिंदुस्तान को परेशान कर रहता था, आज साले को खुद परेशान करके रख रखा है, उसकी हालत खराब कर रखी है। ऐसे आदमी को जो इस आदमी के लिए आप जब गाली देते हैं ना, दुख होता है यार कि मतलब कोई आदमी फिर ऐसा करेगा नहीं। अगर इस तरीके के आदमी को भी हिंदुस्तानी लोग गाली देंगे तो ऐसा कौन करेगा? इस देश के लिए मरने मिटने वाली बात है ये, बड़ी चीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात।